अल्लाह फरमाते हैं जब आदमी फौत हो जाता है क्या वो अपने पाँव से चल सकता है। आ हमजा इस्तफहाम, तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा आ लहुम अरजुल यमशूना बिहा, खुदा पूछ रहा है तुम्हें जवाब देना चाहिए कि नहीं। बताओ जो आदमी फौत हो जाए वो पाँव से चल सकता है। अल्लाह ने सीढ़ी के ऊपर तुम्हें चढ़ाया है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मान जाना ये अल्लाह की बात है। फरमाया अम लहुम अयदी यबतशूना बिहा, क्या मैयत अपने हाथों से पकड़ सकता है? जो आदमी फौत हो जाए वो पकड़ सकता है? सारी दुनिया मानती है मुर्दा चलता, सारी दुनिया मानती है मुर्दा पकड़ता। तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाते अम लहुम आयुन यबसिरूना बिहा, क्या इसकी आँखें हैं कि देखे मुर्दा देखता? अल्लाह ने कहा बड़े अच्छे हैं सारे मान रहे हैं। आखिरी बात अल्लाह ताला चौथे नंबर पे लेके आया है जिसमें मौलवियों ने इख्तिलाफ करना था। अब कुरान एक आयत एक जुज़ चार तीन मान के चौथे का क्यों इनकार? चौथा अल्लाह फरमाता अम लहुम आदान यस्मऊना बिहा, क्या इसके कान हैं कि सुने? जिस तरह मुर्दा पाँव से चल नहीं सकता, हाथों से पकड़ नहीं सकता, आँखों से देख नहीं सकता, इसी तरह कानों से सुन भी नहीं सकता। पहली तीन बातों पे तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, चौथी पे आके क्यों इख्तिलाफ आ गया? अल्लाह भी इस बात को चौथे नंबर पे लेके आया, चलो मानते आओ, तीन मान गए हो चौथी भी मान जाना। एक और मकाम पर चार बातें अल्लाह ने जिक्र की है, सुना दूँ। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला الظلمات वला النور वला الظل वला الحرور वमा यस्तवि الأحياء वला الأموات वमा यस्तवि الأعمى वल बसीर, बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं। एक को नजर आता है एक को नजर आता नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर कोई आदमी कहे बराबर है तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया है, अंधे को नज़र ही नहीं आता, इसको नज़र आता है। यानी बीना और नाबीना भी बराबर नहीं है। वलज़ुलुमात वलन्नूर, अंधेरा और रोशनी भी बराबर नहीं है। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, रोशनी में सब कुछ नज़र आता है, ये दोनों बराबर हो सकते। तीसरी चीज़ वलज़िल्लु वलल हरूर, धूप और साया भी बराबर। कुरान की कुरान है, एक ही आयत है, अल्लाह ने चार चीज़ें जिक्र की, धूप और साया भी बराबर। चौथे नंबर पे अल्लाह क्यों लेके आया? वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा भी बराबर नहीं। इस पे क्यों इख्तिलाफ हो गया? पहली तीन मान गए भाई, उसी कुरान की आयत है, पहली तीन मान गए और चौथी भी मान लो। अगर माना जाए कि मैयत देखती है या सुनती है, फिर कुरान मुकद्दस की आयत का तकाबुल ख़त्म हो जाता है। फिर कुरान के ऊपर तो नक्स और ऐब आता है, कुरान दो दो बातें नहीं करता, अल्लाह ताला एक ही बात करता है शुरू से लेके आखिर तक। ये खासा है कुरान का, इसलिए कुरान पाक में शक हो सकता? ईमान मुसलमानों वही है, उस बंदे का ईमान सही है जिसका कुरान मुकद्दस के मुताबिक है, चाहे वो किसी भी पार्टी जमात का है। अगर कुरान के हट गया, कुरान के खिलाफ चला गया, चाहे वो कितनी भी ऊंची जमात और पार्टी है, उसका ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, बाज़ चीज़ों पे ईमान लाना और बाज़ का इनकार कर देना, जो अपने फ़ायदे में हो उसको मान लिया जाए, जो अपनी जमात और पार्टी के खिलाफ आए उसको छोड़ दिया जाए, ये नाइंसाफ़ी है।